हाय दोस्तों, ओम साई राम, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आज आई हूँ। प्रॉपरली 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स। और मैं आपको ब्यूटी टिप्स अपना बताने आई हूँ, होममेड ब्यूटी टिप्स, नेचर एसेंस के बारे में ही। और फिर क्या है, माहौल और क्लाइमेट ऐसे हो गए हैं ना फ्रेंड्स कि आजकल बहुत ही ख़तरनाक माहौल हो गया है, तो उसके अनुसार आप लोग सेफ रहिए और घर पे ही रहिए। मैं ये आप लोग को सुधार ये करूँगी। और आप लोग तो शहनाज हुसैन तो हमारे क्या है इंडिया में फेमस है ही, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। शहनाज हुसैन का ही ब्यूटी टिप्स मैं लाती रहती हूँ। मतलब इससे पहले भी आप मेरा देखे होंगे तो जो भी टिप्स मैं होम मेड बताती हूँ उन्हीं का रहता है और उनसे ही रिलेटिव रहता है। तो वो तो पूरे वर्ल्ड में है उनका नाम, तो उसी का कोई एक दो टिप्स मैं आपको आज बता रही हूँ इस वीडियो में। अब वीडियो में मेरे साथ बने रहे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये एलोवेरा है और ये नींबू है। और एलोवेरा तो क्या है कि देखिए, पहले ब्यूटी तो मैं इसे पहले भी बोल चुकी हूँ, ब्यूटी हमारा ये फेस से नहीं होता है। फेस को क्लीन अप कर लो, आप कुछ भी फेस पे पाउडर लगाओ, कुछ भी मेकअप कर लीजिए तो आप खूबसूरत ऑलरेडी हो ही जाओगे। क्लीन अप हमारे बॉडी से होती है फ्रेंड्स, हमारा बॉडी कितना क्लीन अप है क्या है। और मेथी का जो है, मैं रात को भिंगो कर सुबह में मेथी खाती हूँ, उसकी पानी पीती हूँ, एलोवेरा खाती हूँ। एलोवेरा भी आप रेगुलर यूज कर सकते हो। एलोवेरा इसलिए है कि क्योंकि हमारा बॉडी को क्लीन अप करता है। स्टमक अगर हम लोग का ठीक रहे, क्लीन रहे, तो फिर हमारा कोई बीमारी हमारे आसपास भटकेंगे भी नहीं फ्रेंड्स। और एलोवेरा ऐसा है, अगर आप रेगुलर एलोवेरा खाते रहोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जूस, जैसे कोई खीरा ककड़ी हो, जो भी हो, सलाद हो, जो आप खा रहे हो उस टाइप से लगेगा। मैं रेगुलर ही खाती रहती हूँ तो ऐसा कुछ प्रॉपर इफ़ेक्ट बॉडी में होता नहीं है। बहुत अच्छा होता है इफ़ेक्ट, काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अगर आप अभी क्लाइमेट के अनुसार अगर आप चल रहे हो तो रेगुलरली अपने डाइट में, मैं तो ये बोलूँगी आप लोग रेगुलरली अपने डाइट में कच्चा प्याज हो, कच्ची प्याज आती है ना, उस कच्चे प्याज को नाश्ते में, खाने में, लंच में, डिनर में एकदम खाना है। उसके साथ आपको नींबू ऐड करना है, नींबू भी बहुत ज़रूरी है। नींबू इतना कट करके आप कच्चे प्याज के ऊपर डाल के उसको खाने के साथ खा सकते हो, जितना हो सके। कोरोना टाइम है फ्रेंड्स, मैं आपको ये ब्यूटी टिप्स क्या है कि प्रॉपर अपने बॉडी और ब्यूटी दोनों को देख कर मैं ये वीडियो आप लोग से शेयर करती हूँ। तो आप लोग इस पर बने रहिए, मैं बताती हूँ आपको कि ये पैक कैसे बनता है। देखिए ये बहुत ईजी है। अगर आपको एलोवेरा अच्छा नहीं लग रहा है तो उस पर आप नींबू भी रब करके देखिए, नींबू 2-3 बूंदी इसको कर लीजिए और इसको ऐसे करके खा भी लीजिए। अगर मान लीजिए कि जो लेडी है, ये हमारा ब्यूटी टिप्स है शहनाज हुसैन का, मैं बता रही हूँ सिंपल सा। अगर जो लेडी है बोलिए आजकल फेस पैक कौन लगाता है, किसके पास टाइम है? टाइम तो है ही नहीं किसी के पास, सब लॉकडाउन है, घर के अंदर पैक है, बच्चे लोग ज़्यादा भूख भूख कर रहे हैं, बड़े भी बैठे हैं तो खाने खाने, हम लेडीज लोग के लिए तो किचन में ही आधा समय बीत जा रहा है, तो फिर मैं पैक कौन लगाएगा? अरे यार, अभी तो क्या है कि जिंदगी मौत का सवाल है, तो चेहरा को कौन क्लीन अप करेगा? ऐसे हमारे सारे लेडीज जेंट्स सब बोलते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, एलोवेरा आपके घर में अवेलेबल है तो एलोवेरा ले लीजिए, उसको बीच से कट करके उस पर नींबू रब करके पूरे स्किन पे आप लगा लो, पूरे स्किन पे रब कर लीजिए और काम करते रहिए। खाना बनाइए, आप नाश्ता दीजिए, लंच दीजिए, क्योंकि एलोवेरा ऐसा है ना कि आपको स्किन पर दिखेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई पैक बनाया, ऑलरेडी आपने कुछ पैक लगाया है स्किन पे। मैं सुबह ऐसे ही करती हूँ, खा लेती हूँ, फिर जो ये बचते हैं उसको मैंने चेहरे पर क्लीन अप ऐसे करके फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ। 9 बजे हस्बैंड बैंक जाते हैं फिर वैसा हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, मैं खा के बताती हूँ। देखिए एलोवेरा को खा के, सॉरी, आज के क्लाइमेट के अनुसार इससे बड़ा ब्यूटी टिप्स आपको कोई देगा भी नहीं। देख लीजिए एलोवेरा का जेल जो निकलता जा रहा है, मैंने उसको 2 तरह से कट किया। और आप सुबह के टाइम में भी देखो, ये देख लीजिए, इसके ऊपर आप, सॉरी, इसके ऊपर आप 2-3 बूंद, देखिए 1 बूंद 2 बूंद नींबू कीजिए, एलोवेरा के ऊपर नींबू कीजिए और इसके पूरे स्किन पे रब कीजिए।
आप देख सकते हो, देखो स्किन पे मैंने रब कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्किन पे कोई पैक आपने लगाया है। अब इसको दबाओगे ना तो इससे ऑलरेडी जेल निकलेगा, तो ये जेल आप लगा लो, अगर पॉसिबल हो तो आप खा लो। हल्का फुल्का मैंने मेकअप किया, उसके ऊपर मैंने ये जेल लगाया नींबू डाल के। अगर रेगुलरली आप रोज़ करना चाहो तो रोज़ भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो वीकली में दो बार या तीन बार ये करके 3 से 4 घंटे पे स्किन पे लगा रखिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, 9 बजे हस्बैंड बैंक जाते हैं, मैं सुबह में 7 बजे ही लगा लेती हूँ इसको, ऐसे करके मुँह हाथ धो धा के फ्रेश होके इस जेल को मैं लगा के छोड़ देती हूँ स्किन पे, काम करती रहती हूँ, पसीना भी नहीं आएगा आपको, आपको स्किन पे ऐसा पता भी नहीं चलेगा। देख लीजिए मैंने अच्छे से लगा लिया स्किन में, अभी मैं आपसे बात भी कर रही हूँ वो पैक मैंने लगा भी लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप जैसे कि 11 बजे 10 बजे जो भी आप फ्रेश हो रहे हो, नहा रहे हो, उस समय आप क्लीन अप कर लो, फेस वाश लगाते हो तो स्किन पे फेस वाश भी आप लगा सकते हैं, मगर ये जेल लगाइए और खाइए भी। दूसरा एक है आप कर्ड है, दही है आपके घर में अवेलेबल, तो दही इससे बड़ा कोई नहीं, इससे पहले भी मैंने बता चुकी हूँ शहनाज हुसैन का, ये बहुत अच्छा ये फेसियल टिप, फेसियल भी आप होममेड फेसियल कह सकते हो। दही के साथ आप चंदन पाउडर है, चंदन पाउडर आप ऐड कर सकते हो, 1 स्पून दही ले लीजिए, 1 स्पून चंदन पाउडर ले लीजिए। अगर ये आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर आप इसमें ऐड करके और वो पैक को चेहरे पे लगाइए, वीकली में 2 या 3 बार लगाओ तो आपके स्किन पे जो काले काले बहुत से देखते होंगे ना कि यहाँ आँखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं, बहुत से झुर्री हो गए हैं, जो छाइयाँ बोलते हैं ब्लैक हैट हो गए बहुत ज़्यादा, वो आपका स्किन के ऊपर से कम हो जाएगा। मैं ये अप्लाई करती हूँ, अब बेस्ट है ये शहनाज हुसैन का बेस्ट ब्यूटी टिप्स है, आप लोग अप्लाई करना और देखना। और आप देख सकते हो मैं आपके सामने ही ये मैं लगाई, और एलोवेरा मैंने खाया भी है, इससे बेटर कुछ नहीं है। मैं तो बोलूँगी इंडिया में अगर आप हो तो इंडिया के हर घर में एलोवेरा का पौधा होना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पहले उतना कुछ पता नहीं था, अभी सबको पता हो गया ना कि क्या चीज़ है, कौन सा क्या है। एलोवेरा का प्लांट ऐसा है ना कि आप इसको कहीं फेंक भी दोगे ना तो वो अपने आप उग जाएंगे, इसको पानी भी नहीं डालोगे ना। करीब मैं 1 मंथ से ऊपर घर से बाहर थी, 1.5 महीने के लगभग हो गए थे मुझे, मेरे 3 गमले में एलोवेरा प्लांट था, मैं सोच रही थी कि मेरा सब ख़त्म खराब हो गया, बालकनी में मेरा पड़ा था, मगर जानते हो मैं घर आई देखी एकदम तरोताज़ा, जैसा मैं एलोवेरा में छोड़ कर गई थी वैसे ही है, 1.5 महीने के बाद उससे कुछ पानी भी नहीं मिला फिर भी वो ऐसे ही है। तो एलोवेरा का प्लांट ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, आप उस पर कुछ करोगे भी नहीं, ज़्यादा केयर भी नहीं करोगे, मगर वो रहेगा। आप पानी डालो, रेगुलरली डालो, सप्ताह में 1 बार डालो, 3 बार, वीकली में 2-3 बार डालो, फिर भी वो बेचारा रहेगा, ही टिका रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक पौधा लगाओगे ना तो उसके नीचे से उसके जड़ जो है ना, वो जड़ से बहुत 3-4 पौधे निकल आएंगे, तो बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा कुछ परेशानी करने की ज़रूरत भी नहीं है ये प्लांट के ऊपर। और ये प्लांट क्या है, मैं ये बोलूँगी कि जीवन संजीवनी बूटी जो बोलते हैं ना, उस टाइप से एलोवेरा का प्लांट है, जो हमारे बहुत सारे फैमिली को ऐसा पता भी नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है कौन ऐसा करने जाएगा। मार्केट में अवेलेबल है एलोवेरा, उसको ले लो, फेस पे लगा लो, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलरली आप प्लांट लगाओ, रियल का प्लांट लगाओ, उसको काटो, फिर खाओ, फिर उसको स्किन पे अप्लाई करो, तो उस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, मार्केट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। ब्यूटी टिप्स के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, और भी कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप कमेंट करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए वीडियो। ओके फ्रेंड्स, ओके नमस्कार, ओके बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।